सपोज दैट आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके 400, 500, 550 ऐसे मार्क्स है, सपोज दैट, इसका मतलब आपको बहुत सारी चीजें नहीं बनती, बहुत सारी चीजें कम बनती है। फिर आप लिस्ट बनाओगे कि ये चीजें मुझसे नहीं बनती, ये चैप्टर्स मेरे वीक है। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी दीपक साहू, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स न्यू दिल्ली। सो आई वेलकम्स यू टू अ वैन न्यू वीडियो। एज यू कैन सी, इट्स अ न्यू सेटअप, न्यू एनर्जी, न्यू वाइब्स, न्यू एंथुसियाज्म। एंड सो विदाउट, सिंस आपने थंबनेल देख लिया होगा व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज नॉट फॉर समथिंग कि आप एग्जैक्टली ऐसा फॉलो करें, ऐसा नहीं है। दिस वीडियो का पर्पज बस इतना सा है कि आपको कुछ आइडियाज दिए जा सके कि ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ योर एग्जाम आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली मतलब क्या अच्छा किया जा सकता है, किन चीजों का ध्यान रखा जा सकता है, तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करना है जैसा मैं बता रहा हूँ, बट कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज आपको मिल जाएंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो को, एंड सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स सी कि आज हमें क्या है। ओके, सो बेसिकली टुडे यू आर गोइंग टू लर्न, हम कुछ चीजें हमें आज सीखनी है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इज रिवीजन वर्सेस मॉक टेस्ट। एक्चुअली ये डिलेमा क्यों है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए, मैं बताता हूँ। जब लास्ट मंथ आता है तो बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता चल पाता कि किस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, क्या मतलब किस चीज पे ज्यादा इंसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, और कुछ बच्चों को रिवीजन करना होता है, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि थोड़ा सा रिवाइज करो, है ना। सो व्हाट कुड बी, व्हाट शुड बी योर एग्जैक्ट बैलेंस, इन दोनों के बीच का क्या एग्जैक्ट बैलेंस होना चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट। मैं आपको बता दूं, जो भी हम करने वाले हैं, जो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे वो एक्चुअली किससे है, ये कोई वीडियो इज नॉट दैट एजुकेशन, बट ये किससे है आपके और मेरे, एक्चुअली मतलब ये आपके साथ होता है, मेरे साथ हुआ है, मैं उससे डील कर चुका हूं ऑलरेडी, एंड आपको डील करना है। सो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, यू आर एक्सपीरियंसिंग नाउ। सो इसको समझते हैं कि आखिर इस डिलेमा से कैसे बाहर निकला जा सकता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है वो ये है कि हमें एक मॉक टेस्ट देना है, मतलब वी शुड गिव अ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि आपको सबसे पहले एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ट्राई करना है। आप तो अपनी कोचिंग से लगा लें, आपको जहां से अच्छा लगता है वहां से लगा लें, है ना। तो एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाने के बाद अब क्या होगा, आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपको जो भी आता था, जितना आता था, दैट्स इट, तो आपने दिया। एंड देन आफ्टर मॉक टेस्ट लगाने के बाद जब आपने उसे एनालाइज किया, उसको चेक किया, तो बहुत से आपके आंसर्स गलत हो गए, बहुत सी चीज सही हो गई। एंड देन आफ्टर आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करेंगे। जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको अपने साथ दो चीजें रखनी है, एक तो आपकी मिस्टेक डायरी होनी चाहिए और दूसरी आपकी एनालिसिस डायरी होनी चाहिए। यानी कि ये चीज मैं करता था, यानी जब मैं मॉक टेस्ट देता था और उसके बाद मैं क्या करता था, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करता था कि मैंने क्या क्या गलत कर दिया, तो जो भी कुछ नया सीखता था वो एनालिसिस डायरी में लिखता था और जो भी गलतियां मैं करता था वो मैं मिस्टेक डायरी में लिखता था। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सिंस नीट का एग्जाम पेन पेपर मोड में होता है, नीट का एग्जाम ऑनलाइन नहीं होता है बेसिकली, है ना। सो आप लेके जो टेस्ट ट्राई करते हो वो ऑनलाइन टेस्ट ट्राई करते हो। सो मेरी आपसे एक सजेशन है कि आप जितना हो सके पेन पेपर मोड में टेस्ट ट्राई करें, यानी कि आप उसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करें एंड देन आफ्टर प्रिंट आउट निकालें एंड देन आफ्टर आप उसे लिटरली हार्ड कॉपी में ट्राई करें, जैसा आप नीट का पेपर अटेंड करने वाले हैं। ओवरऑल आइडिया आपके लास्ट मंथ में ये होना चाहिए कि आपको उस 3 आवर के अंदर एकोमोडेट करना है, और उस 3 आवर में आपके साथ जो कुछ भी होने वाला है आपको ऑलरेडी बुक कर लेना है ताकि आपको कुछ भी नया ना लगे एक्चुअली। सो इसलिए मैंने कहा कि आपको पेन पेपर मोड पे ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि टैबलेट और आईपैड में या फिर फोन में आपका पेपर है आप ट्राई कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक केयर इन योर माइंड कि आपको इसको पेन पेपर मोड पे ट्राई करना है ना, ताकि आप हैबिचुअलाइज हो जाए। एक चीज मैं और कहूंगा, नीट के पेपर में वो एक्स्ट्रा कोई रफ शीट नहीं मिलती है एक्चुअली, कम लोगों को पता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई अलग से कॉपी को देते हैं रफ करने के लिए, आपको पेपर में ही रफ करना होता है। तो जिस भी पेपर में आप अपना मॉक टेस्ट ट्राई करेंगे आपको अलग से रफ वर्क नहीं रखना है, आपको उसी में करना है। मतलब आपको आदत होनी चाहिए कि कम स्पेस में आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मेरे साथ ये केस हो गया था, जब मैं पेपर दे रहा था तो स्पेस का थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, इसलिए मैं आपको बिफोर मतलब पहले से बता रहा हूँ कि इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड देन आफ्टर एनालिसिस के लिए मैंने बताया कि आपको मिस्टेक डायरी, एनालिसिस डायरी रखनी है, मतलब जो कुछ भी आप नया सीखें। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड, आपको उसका एग्जैक्ट फॉर्मुला नहीं आता था, आपको कुछ आता था, आपने फॉर्मुला गलत लगाया, आपको याद नहीं रहा कि 2/9, 9/2 क्या करना है या एग्जैक्ट फॉर्मुला क्या है, आपने उसे लगाया एंड देन आफ्टर आपका आंसर गलत आया। फिर जब आप मिस्टेक डायरी में क्या करेंगे, मिस्टेक डायरी में आप लिखेंगे कि ये मैंने किया, मतलब मैंने ये फॉर्मुला लगाया और उसको क्रॉस करेंगे एंड ये सही फॉर्मुला है। यानी मिस्टेक डायरी में पहले आप अपनी गलती जो आपने की वो लिखेंगे एंड देन आफ्टर उसका सही फॉर्मेट क्या है वो लिखेंगे। मिस्टेक डायरी में मैं सब कुछ लिखता था, अपनी हर छोटी छोटी गलती, चाहे वो 2+2=3 क्यों ना हो,
एक्चुअली, यानी मैं सब कुछ लिखता था, एक एक छोटी छोटी चीज, और वो यही चीज होती है. और मिस्टेक डायरी से ही एक्चुअली क्या होता है ना, आपके नंबर इंप्रूव होते हैं, आप इंप्रूव होते हो. नहीं तो क्या होता है ना, स्टूडेंट सोचते हैं इस बार कम नंबर आए, बोलते हैं हम नेक्स्ट पेपर में सुधार लेंगे. नेक्स्ट पेपर में कैसे सुधरते हैं नंबर, कैसे ऐसे ही सुधरते हैं? मतलब आपको मिस्टेक डायरी बनानी है, आपने जो गलती ऑलरेडी कर चुके हो. एंड मैं क्या करता था, जो गलती बार बार हो रही है उसको स्टार मार्क कर लेता था, उस पर एकदम हाईलाइट लगा देता था, अलर्ट लगा देता था कि भाई इसको दोबारा नहीं करना है, बहुत बार ऑलरेडी हो चुकी है. कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि आप चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ते हो, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है. बाकी सब आप मॉक टेस्ट ट्राई करें, आपको अपनी इतनी सारी गलती पता चल जाएंगी. मतलब मॉक टेस्ट ट्राई करना, एनालाइज करना, मिस्टेक डायरी लिखना, ये पूरा आपका मिरर है. मतलब आप खुद को और जान रहे होगे कि आप क्या हो, आप क्या गलती करते हो, है ना. एंड मैं आपको बता दूं, द लास्ट थिंग इज दैट एक्चुअली क्या है ना, मॉक टेस्ट कोई आइडियल मॉक टेस्ट नहीं होता है. बहुत से स्टूडेंट मेरे से बोलेंगे भैया एक आइडियल मॉक टेस्ट सजेस्ट करो. आइडियल कुछ भी नहीं, मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट ट्राई किए, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, मतलब सब कुछ ट्राई किया है ना, ट्राई किया है. बट आइडियल कुछ भी नहीं होता है. कुछ किसी मॉक टेस्ट का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, किसी का इतना लेवल कम होता है. तो हम बहुत मल्टीपल ट्राई करते हैं तो एक इनफ कंटेंट हमें मिल जाता है. बहुत सा कंटेंट अननेसेसरी होता है. आपको लास्ट मोमेंट पे अननेसेसरी कंटेंट से बचना है. दिस इज अवर फोर्थ पॉइंट कि लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा हाई लेवल हॉट क्वेश्चन इस पे नहीं जाना है. दिस इज वॉट आई वुड लाइक टू से. ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वॉट यू हैव टू डू इन योर मॉक टेस्ट डे. यानी कि मॉक टेस्ट डे जब आपका होगा तो आपको क्या करना है ना. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर रिविजन डे. क्योंकि मैंने कहा ना, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन टू, मतलब रिविजन और मॉक टेस्ट के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. सो बैलेंस कैसे हम करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो नाउ कम्स योर रिविजन डे. सो रिविजन डे में क्या करना है, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड कंक्लूड फ्रॉम मॉक टेस्ट. मतलब जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है. सो सपोज दैट आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके 400, 500, 550 ऐसे मार्क्स है, सपोज दैट, इसका मतलब आपको बहुत सारी चीजें नहीं बनती, बहुत सारी चीजें कम बनती हैं. फिर आप लिस्ट बनाओगे कि ये चीजें मुझसे नहीं बनती, ये चैप्टर्स मेरे वीक हैं. एंड देन आफ्टर रिवीजन डे में आपको उनमें से कुछ चैप्टर, दिस इज व्हाट अवर नेक्स्ट पॉइंट इज, कि आपको बहुत स्मार्ट होना है अपने सिलेक्शन, यानी आपको सिलेक्शन में बहुत स्मार्ट होना है. मतलब आपको बहुत स्मार्ट होकर सिलेक्ट करना है कि आज के रिवीजन के डे में मैं बस ये दोनों चैप्टर्स पढ़ूंगा, या बायो के ये दो लगाऊंगा, या फिर इसके बस एक ही चैप्टर लगाऊंगा, केमिस्ट्री का दो लगाऊंगा. मतलब हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती हो, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखकर कुछ ही चीजों को सिलेक्ट करना है. इससे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली इससे मैं आपको अननेसेसरी प्रेशर से बचा रहा हूँ. कैसे, क्या होता है, सपोज किसी स्टूडेंट को बहुत सारी चीजें नहीं आती, बहुत सारे चैप्टर्स छूटे हुए हैं, तो अननेसेसरी प्रेशर लेता है कि मेरा ये भी छूटा है, मेरा वो भी छूटा है, मेरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी छूटा है, मुझे मैकेनिक्स भी नहीं आता है, थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं आता है. सो ऐसे ऐसे करने से तो नहीं होने वाला. सो व्हाट यू हैव टू बी डू, यू हैव टू बी स्मार्ट, जस्ट पिक अप समथिंग. मतलब सिर्फ कुछ चैप्टर्स उठाओ, उस पर पूरे कॉन्फिडेंस हो जाओ, उस पर पूरा फोकस करो, उसको अच्छे से कंप्लीट करो, एंड देन आफ्टर मूव टू द नेक्स्ट ओनली. सो वही चीज है कि रिविजन डे में आपको सबसे पहले कंक्लूड करना है अपने मॉक टेस्ट से, मतलब मॉक टेस्ट से कंक्लूड करना है. फिर आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे क्या सीखना है, एंड देन आफ्टर कम्स अवर नेक्स्ट पॉइंट कि आपको इंडिविजुअल चैप्टर पे फोकस करना है, ओवरऑल नहीं फोकस करना है. हम देखेंगे कि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हो तो उसको कैसे पढ़ना है. मतलब आज हम बहुत मोस्ट प्रैक्टिकल जो हो सकता है कि किसी चैप्टर को कैसे पढ़ना है, सुपरफिशियली पढ़ना है, डीप पढ़ना है, क्वेश्चन लगाने हैं रिविजन के लिए कि नहीं लगाने, वो सब हम अभी डील करेंगे थोड़ी देर में, है ना. सो आपको उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना लेना है ना. एंड देन आफ्टर एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बायो में, बहुत से लोगों को मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स नहीं आते होंगे. जो फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर है उस पर वीट की वैरायटी, राइस की वैरायटी, चिली की वैरायटी, बहुत सारे रेसिस्टेंट वैरायटीज, ये सारी चीजें नहीं आती होंगी, वो भूल जाते हैं. बहुत सारा डेटा इकोलॉजी में दिया हुआ है, इतने सारे कर्व्स दिए गए हैं, उनकी वैल्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं. Amazon फॉरेस्ट में क्या होता है, कितना होता है, एक्सटेंट कौन हो गया, कितने हो गए, कहाँ से हो गए, तो ये सारी चीजें हैं, काफी डेटा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं. सो आपको क्या करना है, जो भी आपका भूलने वाला पार्ट है उसको आपको लिखना है और अपनी वॉल पे पेस्ट कर लेना है. ऐसा इसलिए है, भूलने वाला पार्ट ऐसा होता है, आपने आज पढ़ा, दो दिन बाद आप भूल जाओगे, तीन दिन बाद भूल जाओगे, बेसिकली आपकी मेमोरी थोड़ी शार्प है तो आप एक दो हफ्ते बाद भूल ही जाओगे. सो जो भूलने वाला पार्ट होता है उसे हमेशा अपने साथ रखना होता है, और साथ रखने का ये है कि आप जिस जगह पढ़ते हो उस जगह वो हो, मतलब वो आपकी आंखों के सामने हमेशा रहे. तो इसलिए मैंने बोला कि जस्ट प्लेस दीज थिंग्स ऑन योर वॉल बेसिकली, है ना. सो ताकि वो चीज आपके हमेशा साथ रहे. मतलब अगर किसी को क्रैब्स साइकिल नहीं आती है, ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट्स वो भूल जाता है, उसको नहीं पता कौन सा एंजाइम कौन सी रिएक्शन को कैटलाइज करता है, टीसी साइकिल, क्रैब्स साइकिल, मतलब ये तो एक ही है. सो जस्ट पेस देम ऑन योर वॉल, दैट व्हाट आई डिड एक्चुअली, एंड उसने मुझे हेल्प किया, वो हमेशा मेरे साथ रहते थे, क्रैब्स साइकिल मुझे हमेशा याद रहती थी कि हाँ ये इंटरमीडिएट है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, है ना. सो वो हमेशा साथ रहती थी, तो फिर डर नहीं लगा रहता था, है ना, क्योंकि दैट्स व्हाट आपने भी फील किया होगा कि बहुत जल्दी ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल चीजें होती है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं. फिजिक्स में भी आपको ऐसे ही करना है, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है. यानी कि आपको या तो आप अपनी एक अलग से कॉपी में वो सारी चीजें लिख सकते हो, या तो फिर आप वॉल्स पे पेस्ट कर सकते हो, है ना. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स.